कि हमें क्या करना है, जब किसी एडजेक्टिव के बारे में बात करना है, किसी की विशेषता बतानी है या नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें क्या पढ़ा था, नाउन को नाउन के लिए हम पुट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी क्वालिफाई किसको करा, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को ही करा होगा। ठीक, फैट मैन यानी कि वो इंसान कैसा है, मोटा है, थिन है, पतला है, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल गर्ल होती है, स्मार्ट कौन होता है, लड़का होता है, यानी ही इज अ ब्यूटीफुल बॉय है, तो इसका मतलब ये लड़का बहुत सुंदर है, तो स्मार्ट यूज करेंगे वहाँ पर। ये बात सबकी समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट यानी थर्ड पॉइंट, यानी हम इजारे को थर्ड तरीके से कैसे और कर सकते हैं। अब इंटरेस्ट आया होगा आई थिंक, कुछ चीज ऐसी जो कि हमने पढ़ते आए लेकिन हमने गौर ही नहीं किया, कुछ ऐसा कि हमने सीखना चाहा लेकिन हमें आया नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, सब्जेक्ट प्लस इजारे प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस, अब इसलिए हमारा होता है पैसिव के सेंस में, ठीक है। तुम पिटते हो, मैंने बोला तुम पिटते हो, है ना, तुम्हें पढ़ाया जाता है, ये सेंस क्या है, तुम्हें पढ़ाया जाता है, तुम्हें मारा जाता है, तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें रखा जाता है, तुम्हें गवाया जाता है, जो भी सेंस है इस तरीके की हमारे होते हैं। पैसिव सेंस में भी हम इजारन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगाते हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं, ये एक्टिव पैसिव का इंडेफिनेट सेंस जो होता है प्रेजेंट का, उसमें ये रूल फॉलो करता है। तो इसके सेंस में मैंने जैसे मैंने बोला तुम्हें पढ़ाया जाता है, तुम्हें पढ़ाया जाता है, यू आर, ठीक है, पढ़ाने की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट, तुम्हें सिखाया जाता है, यू आर लर्न, ठीक है, तुम्हें पीटा जाता है, यू आर बीटन। तो इसका मतलब क्या है, तुम्हें ये काम किया जाता है, तुम्हारे साथ ये काम किया जाता है, यानी पैसिव फॉर्म में आ गया। पैसिव फॉर्म की जैसे तुम्हें खिलाया जाता है, खिलाने की वहां पे ईंट लगाओगे, पेट लगाओगे, ठीक है, तुम्हें पिलाया जाता है। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को रखना है इजारन के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या रखेंगे, इजारन को करेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हमारा सेंटेंस क्लियर। और जहाँ पे आप ये बोलना चाहते हो, तुम्हें मारा जाता है, तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें ठोका जाता है ना, तुम्हें पढ़ाया जाता है, इन द सेंस कुछ भी किया जाता है, तो आप उस सेंटेंस में इस सेंटेंस को पुट करेंगे और बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट रूल हमारा कहता है, सब्जेक्ट प्लस इजारन प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी हमारा पैसिव फॉर्म होता है, ये भी हमारा पैसिव फॉर्म होता है। मैंने जैसे बोला पैसिव फॉर्म में हमारा सेंटेंस, जैसे हम कंटिन्यूअस सेंटेंस पढ़ते हैं कि वो काम कर रहा है, वो खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, इस तरीके से। यदि मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि पुल बन रहा है, तो पुल अपने आप बन रहा है, गाना गा रहा है तो गाना अपने आप गा रहा है, गाना अपने आप गा रहा है क्या, उससे कोई गा ही रहा होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट पैसिव फॉर्म होते हैं, ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे सब्जेक्ट कवर करेगा, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इजारन पुट करेंगे, बीइंग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। मैंने कहा तुम्हें पढ़ाया जाता है, क्या तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, अब मैंने पहले बोला तुम्हें पढ़ाया जाता है, अब मैंने बोला तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, तो अपने आप पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाने वाला भी तो कोई होगा, तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। तो अब जैसे आपको सेंटेंस बनाना, पुल बनाया जा रहा है, पुल, तो पुल बन रहा है, पुल बन रहा है ना, तो पुल अपने आप बन रहा है क्या, पुल अपने आप बन रहा है क्या, तो वहां पे क्या लिखे आप, ब्रेक एक अ लगा हुआ है तो इजी लगाएंगे, एक थर्ड फॉर्म बनाने की कंस्ट्रक्टिव मेड भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, अब मैंने बोला गाना गाया जा रहा है, तो मैंने बोला अ सिंग इज सम, ठीक है, लेटर लिखा जा रहा है, लेटर लिखा जा रहा है, पत्र लिखा जा रहा है, अ लेटर इज, अब मैंने यहाँ पे बेटा एक गलती की है, आप कोई मुझे कमेंट में मेंशन करके बताएं कि क्या सेंटेंस होना चाहिए, इसका सेंस क्या निकल रहा है, क्योंकि मैम आपने तो मुझे अकॉर्डिंग बताया कि पीक होना चाहिए, और जो काम कंटिन्यूस होगा तो वो वर्ब के जस्ट पुट हम क्या करेंगे, यहाँ पर बीइंग पुट करेंगे। मैंने ये जान बूझ के लिखा है कि आपको याद रहे,
कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तुम्हें पढ़ाया जाता है ठीक है, और यहाँ पे ये सेंस कह रहा है कि कर रहा है, वो बीइंग की कंटिन्यूअस के टेंस में और कंटिन्यूअस के टेंस में यहाँ पे भी हम इजारा पुट कर सकते हैं, पुट करते हैं ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस में मैंने होता है सब्जेक्ट प्लस इजारा प्लस नाउन के साथ, सेकंड में मैंने होता है एडजेक्टिव के साथ, थर्ड में मैंने होता है पैसिव फॉर्म में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव फॉर्म में भी इजारा लगाते हैं, प्रेजेंट की कंटिन्यूअस में भी इजारा लगाया जाता है। अब नेक्स्ट रूल नंबर फाइव, अब हम क्या करेंगे रूल नंबर फाइव के अकॉर्डिंग। फाइव में क्या कहता है कि जहाँ पे अब हम नेक्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस एजारेम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कंटिन्यूस टेंस, आई एम गोइंग, आई एम लविंग, आई एम सिंगिंग, आई एम टीचिंग, आई एम समथिंग, कुछ भी जा रहे हैं, तो ये फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, यानी मैं ये काम कर रहा हूँ। अभी हमने एक्टिव पैसिव में सुना था, पैसिव में क्या है, जैसे मैंने बताया था आपको कि पुल बन रहा है, तो पुल अपने आप बन रहा था क्या, पुल को कोई बनाने वाला होगा ना, जो काम कर रहा है, जो काम हो रहा है इन द सेंस में ठीक है, तो मैं पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ाने वाला भी तो कोई होगा ना, पढ़ाने वाला भी तो कोई होगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, तो जो काम कंटिन्यूस होता है पैसिव में भी हम इजारा लगाते हैं, और कंटिन्यूस सेंस में भी जहाँ पे इन द सेंस हमारा क्या होना चाहिए, ये काम हो रहा है ठीक है, ये काम चल रहा है, ये काम जो है गोइंग ऑन है ठीक है, डन नहीं है। तो जैसे मैंने बोला ही इज रीडिंग, ही इज सिंगिंग, ही इज डांसिंग, ही इज एनीथिंग, जो बच्चा कर रहा है, जो कोई भी पर्सन कर रहा है एक्शन वर्ड देख के आप उसके अकॉर्डिंग से फिल कर देंगे ठीक है। रूल नंबर सिक्स, आप क्या पढ़ेंगे आप रूल नंबर सिक्स, आपके अगर सिक्स तक क्लियर समझ में आ गया हो, किसी को कोई डाउट नहीं है तो वो मेंशन कर सकते हो सेंटेंस, तो आप हैंड टू हैंड मेक कीजिए, हैंड टू हैंड क्या करने है आपको, मेक करने हैं, यानी बना के प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस कौन करना चाहते हैं आप, प्रैक्टिस किसको करनी है आपको, सीख मेथड को है आपको ठीक है, और वही एक पैटर्न है आई विल एंड आई कैन, आई विल एंड आई कैन, मैं करूँगा मैं कर सकता हूँ, इफ आप ऐसे बोलते हैं तो आप इसे डेफिनेटली करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया सब्जेक्ट प्लस इजारन प्लस टू ठीक है, इजारन के साथ टू लगाना, इजारन के साथ टू लगाना प्लस यहाँ पे लगानी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे हम ये सेंटेंस बोलते हैं मैं आने वाला हूँ, मैं ये काम करने वाला हूँ, मैं खाने वाला हूँ, इस तरीके की सेंटेंस जो होते हैं उसमें हम टू लगाते हैं इनके साथ। इनका सेंस क्या होता है, वाला वाली, वाला एंड वाली। तो जैसे मैंने बोला मैं पढ़ाने वाली हूँ, मैं पढ़ाने वाली हूँ, आई एम टू टीच, मैं आने वाली हूँ, आई एम टू कम, मैं जाने वाला है, ही इज टू गो, बच्चा रोने वाला है, चाइल्ड इज टू क्राई। क्लियर, बात समझ में आई है ना, इन द सेंस ऑफ वाला एंड वाली वहां पे हम टू पुट करेंगे किसके साथ, ये जा रहे हैं के साथ। कितने रूल कंप्लीट हो गए हमारे से, अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहते हैं हमारा सेवन। इंटरेस्ट आ रहा होगा आपको कि हम बोलने का ट्राई करते हैं, अगर हमें बाला वाली बोलना हो है ना तो हम कैसे बोलेंगे, इस तरीके से सोचने लग जाते हैं, या ये भी हो सकता है जिसमें हम नानी होता है, नानी को मैं चले जाना, नानी का मतलब ये होता है लास्ट में ना या नी पढ़ा जाए, मैं पढ़ने वाला हूँ, आई एम टू स्टडी या रीड ठीक है, मैं जाने वाला हूँ या मैं पढ़, मुझे पढ़ना है, अगर मैंने बोला मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, मुझे सोना है, नानी के सेंस में मुझे सोना है आई एम टू स्लीप, मुझे रोना है आई एम टू क्राई ठीक है, यानी कि नानी के सेंस में वाली और वाली के सेंस में भी हम क्या करते हैं।
less about to, less verb की first form, verb की first form. इसका मतलब कहता है मैं काम करने वाला ही था, मैं काम करने वाला ही हूँ. था के साथ में तो पास में चले गए, है ना, प्रेजेंट में. मैं काम करने वाला ही हूँ, मैं जाने वाला ही हूँ, मैं खाने वाला ही हूँ, मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली ही है. ठीक है, अगर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे हिंदी में साइंस के अकॉर्डिंग की साइंस निकालना है, तो मैं वहाँ पे अबाउट टू पुट करूंगी. आप इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस मेक करेंगे. जैसे मैंने बोला मैं सोने वाली ही हूँ, जैसे मम्मी आ गई, व्हाट आर यू डूइंग, मम्मा आई एम अबाउट टू स्लीप, मैं सोने वाली ही हूँ. तो आपको रिप्लाई क्या करना है, मैं खाने वाला ही हूँ, है ना, आई एम टू, आई एम टू या आई एम अबाउट टू, आई एम अबाउट टू स्लीप, ही इज अबाउट टू, जाने वाला ही है, ही इज अबाउट टू गो, वे आने वाला ही है, मैं आने वाली ही है, ही इज अबाउट टू कम. तो आपको याद रखना है कि ही के सेंस में जहाँ पे हम ये बात करना चाहते हैं, मैं ये काम करने वाला ही था, इमीडिएट एक्शन में शो ऑफ करना चाहते हैं, मैं जस्ट ही काम, ये वाला काम छोड़ के ये वाला काम करने वाला था. तो वहाँ पे आप क्या लगाए, आई प्लस एज आर एम प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जिसका सेंस क्या निकलेगा, ही, यानी ये काम करने वाला ही था. या किसी को आप रिप्लाई करेंगे तो थोड़े ही काम करने वाला ही हूँ, सभी करने वाला. ठीक है, यानी कि ये हमारा प्लान होता है. प्लान का मतलब जानते हो, प्लान क्या होता है, जो हम किसी चीज को पहले से फिक्स करते हैं और नए काम करने, तो ये आपको क्या कहलाएगा, प्लान कहलाएगा. इज अबाउट टू सिंग, मैं गाने वाली है. नंबर 8 के अकॉर्डिंग मैं अगर बोलूं आपसे, सब्जेक्ट प्लस एजीआरएम प्लस टाइम, और सब्जेक्ट की जगह पर आप इट कर लो तो भी आपको इजीली आ जाएगा. टाइम में मेरा हो सकता है ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट. ठीक है, ये हमारी क्या हो सकते हैं, टाइम में हो सकते हैं. जैसे मैंने बोला है आज संडे है, इट इज संडे टुडे. नौ बजे है, इट इज 9 o'clock. ठीक है, ये अप्रैल का मंथ है, इट इज द मंथ ऑफ अप्रैल, जनवरी जो भी है, जैन. ये बात सबके समझ में आई, यानी यहाँ पे हमें पॉइंट टाइम को बताना है, वहां पे आप इट पुट करेंगे, इट से आपको याद रहेगा. ठीक है, एजीआरएम और ईयर मंथ और इनको पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इट से बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे जब आप टाइम को बताएंगे. आप रूल नंबर 8, यानी कि हमें क्या करना है, फर्स्ट में नाउन, सेकंड में ऑब्जेक्टिव, थर्ड ऑब्जेक्टिव आफ्टर कंटिन्यूअस पैसिव, फिर नेक्स्ट 5 में उसके अकॉर्डिंग अब हमारा कौन चलने वाला है, रूल नंबर 9, सॉरी मैंने 8 बोला. ठीक है, अब रूल नंबर 9 में हम क्या पढ़ेंगे, किसी को लग रहा है कि कुछ न्यू आने वाला है, कुछ लग रहा है कि हाँ कुछ, जैसे
मुझे बोलना है यहाँ पर पानी ही पानी है, यहाँ पे दूध ही दूध है, यहाँ पे टेबल ही टेबल है, ठीक है, यहाँ पर रेत ही रेत है, यहाँ पे लड़के ही लड़के हैं, यहाँ पे लड़कियां ही लड़कियां हैं। तो यानी कि इस तरीके के सेंटेंस होते हैं, तो मोस्टली हम मेक करने पे कंफ्यूज होते हैं कि हाउ टू मेक, हमें इन्हें किस तरीके से मेक करना है। तो फर्स्ट इट प्लस सब्जेक्ट, यानी सॉरी एज आर एम प्लस नथिंग प्लस वर्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने बोला यहाँ पे पानी ही पानी है, देयर इज नथिंग बट वॉटर। समझ में आई बात? यहाँ पे क्या है? नथिंग वॉटर। अब यहाँ पे मैंने तो वो जो देयर लिखा है यहाँ पे इसकी कोई हिंदी नहीं है, बट यहाँ पे हम जगह को प्लेस के लिए बता रहे हैं, यहाँ पे पानी ही पानी है, यहाँ पे लड़के ही लड़के हैं। देयर इज नथिंग बट बॉयज देयर, यहाँ पे लड़कियां ही लड़कियां हैं। देयर इज नथिंग बट गर्ल्स देयर। ये बात सबसे समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? तो आपको क्या करना है, इनसे रिलेटेड सेंटेंस को मेक करना है और प्रैक्टिस करनी है। कोई दिक्कत और फिर भी आपको लगता है कि हाँ कोई डाउट रह गया है, तो आपको